ये तीखी चटपटी भुट्टे की सब्जी राजस्थान की बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है। रेसिपी ट्रेडिशनल है, बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत टेस्टी होती है। बारिश के मौसम में फ्रेश भुट्टे के साथ हम इसको बहुत बार बना लेते हैं और इसको बनाने का तरीका हर घर में अलग होता है। हमारे घर में इसको किस तरीके से बनाया जाता है उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बारिश का मौसम है और फ्रेश भुट्टों की भरमार है, तो क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप और हम मिलकर इसको बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। भुट्टे का चूस करते समय हमेशा ध्यान रखें भुट्टा फ्रेश हो और उसके दाने सॉफ्ट हो, जिससे उसकी सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं और भुट्टे को ग्रेट करने के बाद हम इसको साइड कर लेते हैं। हमने जो साबुत लौंग और काली मिर्च लिए थे उनको हमने बारीक कूट लिया है और इसके अलावा हम भुट्टे की सब्जी में जिस सामग्री का यूज़ करेंगे वो ये है। तो हमें सबसे पहले तेल गर्म होने के लिए रखना है और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें हींग, राई और जीरा डाल देंगे। राई जीरा के अच्छे से चटकने के बाद अब हम इसमें अच्छे से कूटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालने के बाद हम इनको थोड़ा सोटे करेंगे। जब तक ये सोटे होता है तब तक हम जो अपने बचे हुए मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्ची है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा पानी लेकर उसमें इन चारों मसालों को ऐड कर देंगे और हम ग्रेवी तैयार करेंगे। और ग्रेवी के लिए हम इसमें और कोई एक्स्ट्रा सामग्री का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची भी अच्छे से सोटे हो गया है, तो अब हम इसमें अपनी ग्रेवी डालकर इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। और हमें गैस का फ्लेम अभी मीडियम रखना है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, हम उसको इसी तरीके से बनाएंगे और हमने इसमें ग्रेवी में और कोई एक्स्ट्रा सामग्री का यूज़ नहीं किया है। तो हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम इसमें जो ग्रेट किया हुआ भुट्टा है वो डाल देंगे। भुट्टे को ग्रेट करने के बाद उससे एक बाउल भर गया था और उसी बाउल के नाप से हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल पानी का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये पानी जल्दी सोखता है और इसमें लम्प्स भी हो जाते हैं, तो हमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है। तो एक बाउल पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक बाउल पानी और डाल देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर कुकिंग करेंगे। तो अब हम इसको ढक देते हैं। दस मिनट के बाद जब हम इसको चेक करते हैं तो ये काफ़ी थिक हो गई है और पक तो ये चुकी है, लेकिन इतनी ज़्यादा थिक हो गई है कि हम इसमें थोड़ा सा पानी का और यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे और हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसमें आधा बाउल पानी और यूज़ करेंगे। पानी डालने के बाद आप एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, अगर आपको इसमें और रिक्वायरमेंट लगती है तो आप इसमें आधा बाउल पानी का और यूज़ कर सकते हैं। तो एक बाउल भुट्टे में आपका लगभग 2.5 से 3 बाउल पानी लग जाता है। तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक के बॉयल होने देंगे। अब हमने लौंग और काली मिर्च जिसको कूट के रखा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको भुट्टे की सब्जी के अंदर डाल देंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 1 मिनट बॉयल होते ही गैस ऑफ कर देंगे। तो हमारी भुट्टे की सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इस गर्मा गर्म सब्जी को हम धनिया पत्ती से गार्निश कर लेते हैं। तो
तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धनिया पत्ती के साथ साथ हम देंगे इसमें थोड़ा सा खट्टे का तड़का, यानी आप इसको धनिया पत्ती से गार्निश करने के साथ साथ इसमें नींबू का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। नींबू इस चटपटी सब्जी का टेस्ट और बढ़ा देगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।